अरे ये क्या हो गया आपको? पता नहीं, रात को भी बेचैनी सी हो रही थी, कुछ दिनों से अजीब सा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, आज अपन डॉक्टर के पास चलेंगे। नमस्कार, बोलिए। हमारे कुछ दिनों से बहुत बीमार चल रहे हैं। क्या समस्या है आपको? डॉक्टर साहब, मुझे कुछ दिनों से थकान सी महसूस हो रही है, खाने पीने की भी इच्छा नहीं होती, नाक से भी खून आता है, रात में पसीना भी आता है और हाथ पे निशान भी हो गया है। अच्छा ठीक है, बोला जी, मैं आपको कुछ जाँच लिख के देता हूँ, आप एक बार एक टेस्ट करा लीजिएगा। जी डॉक्टर, फिर मुझे कल आके दिखाइए। जी, चक्कर आते हैं आपको? हाँ कभी कभी। और सिर में दर्द? हाँ। चलो ठीक, कोई बात नहीं, आपको दवाइयाँ भी लिख रहा हूँ, उनको सुबह शाम दे दिएगा, कल आपको मिलेगा। नहीं कछु नहीं हुआ है तुम्हें, हम बाबा के पास चलेंगे, बाबा सब ठीक कर देगा, कछु नहीं हुआ है तुम्हें, शांत हो जाओ। बाबा कहाँ है बाबा, हमारी बबुआ को बचा लो बाबा, कहाँ है बाबा? भूत का साया है, मंगल की माया है। अलख निरंजन। बाबा मैं ठीक हो गया। बाबा मैं ठीक हो गया। की जय हो। हरि ओम माता रानी रक्षा करे। कमाल करती आज तो। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। और धंधा कितना हुआ आज? आज तो धंधा डबल हो गया। देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, इनको एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया हुआ है, जिसमें एक प्रकार का खून का कैंसर है। हम कुछ कीमोथेरेपी और कुछ ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाली टेक्निक्स करेंगे, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। दवाइयाँ ले लीजिएगा और घबराने की कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? बिल्कुल आओ। बड़े दिनों बाद आए भाभी जी। हाँ बताएं भाई साहब, आपको पहले प्रसाद खाइए। प्रसाद किस बात का भाभी जी? कहा बताएं भाभी जी, हमारे बबुआ पे भूतनी का साया पड़ गया था, वो तो भला हो रॉकी बाबाज का जो उसे झाड़ फूक के ठीक कर दिया है। भाभी जी इतना कुछ हो गया और आपने हमें कॉल भी नहीं किया। कहा बताएं भाई साहब, कल रात की ही बात है, हम और बबुआ काफी घबरा गए थे। चलिए भाभी जी, अब मैं चलती हूँ। अरे ध्यान रखिएगा अपना और बबुआ का। आते रहिएगा भाभी जी। बहुत बुरा हुआ शकुंतला के साथ। हाँ वही तो। अरे बहू रानी कहाँ मर गई, जरा हमारे लिए दो ग्लास पानी तो लाओ। अभी लाई सासुमा। इतना सैड सैड काहे हो बबुआ? कुछ नहीं माँ, ससुरा बॉस ने कुछ कहा का? नहीं बाबूजी। माँ बाबूजी, मैं डॉक्टर के पास गया था,
उन्होंने बोला मुझे ल्यूकेमिया है। क्या क्या? अब ये ल्यूकेमिया किस बला का नाम है? अरे बबुआ ऐसा कुछ नहीं होता है। आज ही शकुंतला आई थी, उसने हमें रॉकी बाबा के बारे में बताया, तो बबुआ फिकर ना कर, हम तुम्हें वहीं लेके जाएंगे। क्या माँ कुछ भी बोल रहे हो। ये क्या सुन रही हो? ये कैंसर है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जा रहा हूँ यहाँ से, शाम तक आ जाऊंगा। कोई बात नहीं यार, हम उधर अच्छा इलाज कराएंगे, अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, कुछ चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और भाई क्या हाल, क्या हुआ तेरे को? भाई इसको कैंसर हो गया है, हमने कल डॉक्टर घसीटाराम को दिखाया था, ये देख इनकी रिपोर्ट। अबे क्या घसीटाराम को क्यों दिखाया यार, वो कोई डॉक्टर थोड़ी ना, उसको कुछ नहीं आता। अरे तू दे, फिर कोई हम लेके जाएंगे रॉकी बाबा के पास। तेरे को पता है रॉकी बाबा ने मुझे 2 मिनट में ठीक कर दिया था। क्या यार बाबा बाबा लगा रखे हैं, ये बाबा बाबा कुछ नहीं होते हैं। अरे हमारे रॉकी बाबा के बारे में ऐसे मत बोलो, वो देव पुरुष है, देव पुरुष 2 मिनट में ठीक कर देंगे। तो ये यार मैं तुम लेके चलेंगे बाबा के पास। रॉकी बाबा की जय। हरिओम माता रानी रक्षा करे। आ जा बच्चा बाबा के पास। अलख निरंजन। की दक्षिणा निकालो पुत्र। 79 कितने बाबा? 69 पुत्र। ये लो बाबा दक्षिणा। घर जा बच्चा, सुबह तक बिल्कुल स्वस्थ मिलेगा। तथास्तु। रॉकी बाबा की जय। हरि ओम माता रानी रक्षा करे। हमारे देश में अंधविश्वास एक अभिशाप है। आज की 21वीं सदी में भी देश के अनेक लोग अंधविश्वास पर यकीन करते हैं। ऐसे में लोग अक्सर बाबाओं साधुओं तांत्रिकों के बहकावे में आकर अपने इज्जत धन गवा बैठते हैं। Though superstitions has been declining with the advancement of science, superstitious belief still influence the medical care. आजकल हर मनुष्य हर बीमारी से डरता है. This fear has led to the development of supernatural practices for preventing and treating diseases. डॉक्टर्स होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने मरीजों के साथ एक ऐसा संबंध, एक ऐसा भरोसा बनाएं कि वह किसी भी ऐसे बाबाओं के चक्रों में ना पड़े।